अस्सलाम वालेकुम मेरे दोस्तों, क्या हाल चाल है? ठीक है। एक बहुत वियर्ड से एंगल आप लोगों को नजर आ रहा होगा। मुझे पता है मेरे पास माउंट नहीं है फिलहाल गाड़ी में कोई लगाने वाला, तो ये बहुत वियर्ड सा एक एंगल आ रहा होगा आप लोगों के पास। बट देन आज की जो मेरा ये चैनल है, इट्स अबाउट माय स्टोरीज रिगार्डिंग बाइंग या सेलिंग ऑफ जो भी लैपटॉप्स या मोबाइल फोन्स मैं सेल या बाय करता हूँ, उनके दरमियान मेरे साथ जो जो स्टोरीज होती हैं, जो जो कहानियाँ होती हैं इंटरेस्टिंग, जो मेरे साथ कभी कभार लक चल जाती है, उसके बारे में मैं अपनी स्टोरीज जो है वो शेयर किया करूँगा आप लोगों के साथ। और कोशिश करेंगे एक मज़ेदार स्टाइल में और एक डिफरेंट एंगल्स के साथ जो है आपके साथ ये वीडियो जो है वो शेयर की जाए और आपको इसको देखने का भी मजा आए। अभी तो ये मैंने सिर्फ डैशबोर्ड में सीधा सीधा अपना मोबाइल रखा है और आपसे बात कर रहा हूँ। फर्स्ट वीडियो है तो फर्स्ट वीडियो तो फिर इस तरह ही होती है। एक मिनट जरा खड्डा आ गया। अब ये स्टेयरिंग आगे आएगा आप लोगों के ऑब्वियसली, तो खैर चले बात करते हैं कुछ। अच्छा जी, ये आज की जो स्टोरी है ना मेरी यार, ये एक बहुत ज़बरदस्त किस्म की स्टोरी है और इसमें आप लिटरली समझ लो मेरी फट गई थी। मेरी इतनी फट गई थी लिटरली, मुझे उस टाइम ये लगा था कि भाई मेरे साथ इतना बड़ा धोखा हो चुका है और मेरे सारे पैसे जो हैं वो ज़ाया हो चुके हैं। आपको मेरे जानने के बारे में ना एक चीज़ ज़रूर पता होनी चाहिए कि मैं एक ऐसा बंदा हूँ कि जिसको ना हर वक्त चीज़ चेंज करने की पड़ी रहती है। कोई ज़रा सी चीज़ पसंद आ गई, मैं वो अपनी बेचकर, बेशक एक दो महीने हुए हों मोबाइल को लिए, मैं तो मैं अगला मोबाइल ख़रीद लेता होता हूँ। तो खैर मैंने क्या किया कि जो मेरे पास उस टाइम पे वन प्लस सिक्स था, उस टाइम पे वन प्लस सिक्स टी आया हुआ था और वन प्लस सिक्स जो था उससे पिछला वर्जन था, जो कि अभी भी पाकिस्तान में काफ़ी ज़्यादा महंगा था। भाई मुझे तो वन प्लस सिक्स काफ़ी अच्छे रेट में मिल गया और काफ़ी मैंने जो है सस्ते में ले लिया था। उस टाइम पे 60 प्लस का था डब्बा विद एक्सेसरीज और उस टाइम पे पीटीआई का कोई चक्कर नहीं था। मैं पीटीआई कह रहा था, खैर पीटीआई का कोई चक्कर कोई नहीं था, अप्रूव डिसअप्रूव का कोई चक्कर नहीं होता था। तो हुआ ये कि मुझे वो फ़ोन 55,000 रुपीज़ का मिल गया। अब वो फ़ोन हर जगह पे तकरीबन 65, 64, 63 और नए का रेट कुछ 72, 73 होता था। ये बात मैं कर रहा हूँ 2019 के स्टार्ट की। अब हुआ क्या कि मेरे एक दोस्त ने जो है मेरी एक दोस्त ने जो है पिक्सल 2 ख़रीदा था, जिसके बाद से मुझे पिक्सल 2 एक्सल काफ़ी ज़्यादा पसंद आ गया। हुआ ये कि मैंने जो है ना अपना वन प्लस सिक्स जो है उसको सेल पे लगा दिया। अब मुझे पता था कि मुझे उसके अच्छी प्राइस मिलने वाली है और सारी जो है मुझे उस पर प्रॉफिट होगा। और इवन कि मैं पिक्सल 2 खरीदने के बाद भी यार, एक तो स्टेयरिंग आगे आ जाता है, पिक्सल 2 एक्सल खरीदने के बाद भी मैं फ़ायदे में ही रहूँगा और मुझे कोई नुकसान नहीं होने वाला। तो खैर मैंने क्या किया, मैंने पिक्सल 2 एक्सल को बाय करने के लिए इरादा बनाया और वन प्लस सिक्स का जो है मैंने ऐड लगा दिया। जनाब ऐड लगाया तो लोगों की भरमार हो गई कि वन प्लस सिक्स जो है मैंने ऐड लगाया 67,000 रुपीज़ का, और क्योंकि मेरा फ़ोन सही था और साथ में उसके अंदर एक्सेसरीज भी थी और काफ़ी अच्छी चीज़ें थी और पैक था और स्टिकर तक मौजूद थे, उसके मैनुअल्स मौजूद थे, तो काफ़ी अच्छा वहाँ पे आपको मोबाइल देखने को मिल रहा था। अब जो है ना, एक बंदे ने मुझे कहा कि भाई मैं 65 में आपसे लूँगा और मैं ना आप पैसे लेके मैं आ जाता हूँ, आप टाइम और जगह मेरे साथ सेलेक्ट कर लें। मैंने कहा ठीक है जी, आ जाएं आप देखें मोबाइल लें और ख़रीदें और मज़े से जो है मोबाइल को ले जाएं। हुआ ये कि उस बंदे के साथ डील डन हो गई। उसने मुझे कहा कि मैंने कहा कि बल्कि कि आप मैकडॉनल्ड्स हैं मेरे घर के पास, वहाँ पे आ जाओ तो वहाँ पे जाके ना डील कर लेते हैं। उसने कहा चलो ठीक है मैकडॉनल्ड्स आ जाता हूँ मैं, तो मैं भी मैकडॉनल्ड्स चला गया। अब आपका भाई वहाँ पर गया, फुल डब्बा उसके मेरे पास मौजूद था मोबाइल का, मैंने मंगवाई कोक और फ्राइज़ और वहाँ बैठ के मैं मैकडॉनल्ड्स पे कोक और फ्राइज जो फाड़ रहा हूँ इतमान से, और मुझे पता है कि आज भाई जाएगा प्रॉफिट में। मैं बड़ा खुश, मैं का भाई का दिन बन गया है। अब हुआ ये कि एक मिनट ये मैं क्रॉसिंग कर लूँ, ये मुझे बड़ी ही पागलों वाली क्रॉसिंग लगती है। खैर मुझे ये अंदाज़ा था कि जो है मुझे यहाँ पे प्रॉफिट होने वाला है और लॉस तो नहीं होगा, क्योंकि मेरा मोबाइल अच्छा है और मैंने अच्छी प्राइस पे तुक्के से ख़रीदा था। वो अलहदा स्टोरी है, वो किस दिन फिर मैं बताऊँगा आप लोगों को। खैर अब वो जनाब फ़ोन आए, फ़ोन देखा उन्होंने, फ़ोन उनको अच्छा लगा और उसने कहा कि फ़ोन तो मुझे अच्छा लग गया, मैं आपको 65 में ले लूँगा आपसे, मगर पैसे नहीं है अभी मेरे पास। और याद रखना वो दिन था सैटरडे का। अब उन्होंने कहा बैंक में पैसे हैं, वहाँ से निकलवा के लाता हूँ। मैंने कहा चलो ठीक है, मैं अब बैठा हूँ तो आप जाके बैंक से पैसे निकलवा लो और फ़ोन ले जाना आके, मैं यहीं बैठा हूँ। मैंने बर्गर मंगवा लिया, भाई को भूख लग रही थी, लंच का टाइम था तकरीबन कोई 2:30 कर लो, 2:30 बजे का टाइम था। अब वो चला गया जी। अब जी मेरा बर्गर आया, मैंने बर्गर खाने से पहले सोचा यार मैं एक दफ़ा ना टेक्स्ट कर लूँ दोस्त को कि ना मैंने पिक्सल 2 एक्सल लेने आना है, तो वो ज़रा ना अच्छी डील डूल बना के रखो, मेरा एक दोस्त है उसके पास पड़ा हुआ था।
खैर मैंने जैसे ही फोन उठाया, अपने फिंगर लगाई तो मेरा फिंगर बंद था, मतलब कि मेरा फिंगर लग नहीं रही थी और पासकोड भी चेंज था। अब जी मुझे याद आया कि उसने फिंगरप्रिंट चेक करने के लिए अपना फिंगरप्रिंट लगाया था, अपना बैकअप पासवर्ड लगा दिया था और मेरा उड़ा दिया। अब जी मेरी फट गई वहां पे, मेरी लिटरली फट गई वहां पे, और मुझे ये लग रहा था कि मेरे साथ हो गया है हैंड, और वो बंदा मेरा मोबाइल लॉक करके चला गया है। अभी थोड़ी देर में उसकी मेरे नंबर पे कॉल आएगी और वो मुझे कहेगा भाई फोन अनलॉक करो तो और मुझे इतने में दो फोन, या मुझे उल्टा इतने पैसे दो। बचपन की बातें थी, उस टाइम नया नया स्टार्ट किया था फोन लेना बेचना, तो इतना एक्सपीरियंस नहीं था। और इवन कि आपको पता ही है फैक्ट्री रीसेट करने से पासपोर्ट को बाईपास भी किया जा सकता है। हाँ वो अलहदा स्टोरी है, वो भी बताऊंगा। खैर मैं बैठा हुआ वहां पे, बर्गर मेरे सामने पड़ा है और बर्गर भाई ने नहीं खाया क्योंकि भाई जो है था परेशान था, और मैं वहां बैठा हुआ जो है ना सर नीचे करके बैठ गया। भाई जी मैं जो है ना, अब डिफरेंट दिमाग में बंदे के उस टाइप के ख्याल आ रहे होते हैं, तो पहली दफा इतना महंगा मोबाइल लिया था, लेते ही बेचने लग गया था, और जो है ना अब ये दिमाग में ख्याल आ रहे थे यार ये जो है ना कोई ठगी लग गई ना तो घर से चिपेने पड़ेंगी और कोई नया मोबाइल तो मिलेगा नहीं। ये सारा कुछ दिमाग में चल रहा था, ऑब्वियसली स्टूडेंट था मैं, अभी भी स्टूडेंट ही हूँ, बस होने वाली है डिग्री। तो खैर तो उस टाइम ये सब कुछ दिमाग में चल रहा था। तो फिलहाल तब उसके बाद जो है ना अब्बा जी ने मुझे लेकर तो देना नहीं था कुछ उस टाइम, क्योंकि अभी अभी मैंने ये वन प्लस सिक्स खरीदा था। ये सारा कुछ मेरे दिमाग में चलता जा रहा था, हुआ ही आधा घंटा गुजर गया, 40 मिनट गुजर गए, 45 मिनट गुजर गए, वो जनाब का एक बैग मेरे पास मौजूद था। वो कह के मुझे गया था कि बैग मेरा रख लें मैं आ रहा हूँ। अब मैंने उस बैग को खोलने की हिम्मत की, हालांकि खोलना नहीं चाहिए था, अब पता नहीं उसमें क्या होता, गलत बात थी मुझे मैं मानता हूँ, बट मैंने उस बैग को खोल लिया। उस बैग के अंदर कुछ भी नहीं था, बैग खाली था। मुझे उस तरह से और शक हुआ कि भाई ये तो मैं गया और इस बंदे ने मुझे लगा दिया चूना। वो बंदा कोई तकरीबन 50 मिनट के बाद वापस आया कहने के भाई आज तो बैंक बंद होते हैं, मैं तो 50,000 निकलवा सका हूँ, तो आप जो है ना ऐसा करें 50 ले लें और बाकी के 14-15 हजार रुपये आप मुझसे बाद में ले लें। ये सुनकर तो मेरी वहाँ पे शॉर्ट हो गई। सबसे पहले तो भाई ने उससे पासवर्ड वापस लिया, उसका फिंगरप्रिंट ख़त्म कराया, और मैंने कहा अब तू बेटा पैंसठ के पैंसठ ही दे के जाएगा, मैं नहीं जा रहा यहाँ से, हालांकि बनता है ना। उसने मेरी शॉर्ट की, मैंने उसका बेटा अब तू पैसे देगा, मैंने तेरे साथ आराम से नहीं अब करनी डील, अब तू दे मुझे पैसे। उस भाई ने पता नहीं किस तरह ऑनलाइन पैसे मंगवा के अपने किसी दोस्त से मैनेज करके मुझे पैसे दे दिए, और आधे बैंक अकाउंट में दिए आधे कैश दिए, और इस तरह ये मेरी वन प्लस सिक्स की जो है डील ये हो गई। खैर मेरी वन प्लस सिक्स की ये डील हो गई। ये थी कहानी आज की। अगर आप लोगों के पास भी इंटरेस्टिंग OLX की स्टोरीज मौजूद हैं तो मेरे साथ यार शेयर करो स्टोरीज को, और स्टोरीज को शेयर करो, और मेरे इंस्टाग्राम है मैं मेंशन कर दूंगा, वहाँ पे वॉइस मैसेजेस भेज दो, मैं वीडियोस में इंक्लूड कर दूंगा। इसी तरह मेरी वीडियोस को देखते रहें, लाइक कर दें, शेयर कर दें, सब्सक्राइब कर दें, मैं आपके लिए वीडियोस लाता रहूंगा। आई नो बड़ी फजूल वीडियो बनी होगी, बड़े बुरे एंगल पे बनी होगी, बट आई थिंक व्हेन देयर इज कंटेंट आप सब कुछ चला लेते हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग, अल्लाह हाफिज़।